काम कर रहा था, वो एचडीएम मार्ग पर कन्हैयालाल चौधरी के अंडर में लगा हुआ है। कन्हैयालाल चौधरी का आदमी है, उस आदमी को जानबूझ के आरओ लगाया गया था ताकि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर सके। अरे जो मत हो रहे, रुको रुको, नरेश जी बैठो बैठो, पुलिस का भी बयान आया है, गिरफ्तारी की आ गई है। पुलिस का ये भी कहना है कि कई थानों में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं पुराने, उन मुकदमों में आपकी गिरफ्तारी होगी। अब चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में भी आ चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये पूरा जो कल घटनाक्रम हुआ उसको पूरे किस नजरिए देखिए। सारे घटनाक्रम की जिम्मेदार जिला कलेक्टर है। इस गांव ने बहिष्कार किया था चुनाव का, चुनाव का बहिष्कार इस गांव ने किया था। इनकी मांग थी भाई हमें उनियारा उपखंड में थे, हमें हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया, और उनियारा हमसे 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली हमसे 95 किलोमीटर पड़ता है, हमें वापिस उनियारा में जोड़ा जाए। बहिष्कार को लेकर हम बैठे थे, हमने गांव की मांग थी भाई कलेक्टर यहां गांव में आए। हमने कहा भाई कलेक्टर को बुलाओ, कई बार कहा, कलेक्टर नहीं आई। लगभग 11-12 बजे हमें ये सोचना लगी कि एसडीएम जो यहां पे है, जो भारतीय जनता पार्टी का कन्हैयालाल चौधरी के साथ काम कर रहा है, उस व्यक्ति ने 3 लोगों को जबरदस्ती कि तुम्हें नौकरी से हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। एक आंगनबाड़ी महिला थी, एक टीचर था और एक आंगनबाड़ी महिला का पति था, उनको जबरदस्ती दादागिरी से वोट डलवाया। मुझे पता लगा, मैं गया, मैंने पूछा तो वहां लोगों ने कहा कि साहब ये एसडीएम है, इसने जबरदस्ती वोट, मैंने रोक नहीं पाया, मैंने उसके थप्पड़ मारी है, ये बात सही है, लेकिन उसके और बढ़नी चाहिए। जिस तरह का वो नेचर उसका था, वो एक दलित महिला के अत्याचार में पहले एपीओ रहा है बूंदी में, उसके बाद भी फिर मैं इसी मंच पे था, इस जहाँ पे बैठा हूँ, हजारों लोग यहाँ थे। मैंने एसपी साहब को कहा भाई कलेक्टर नहीं आ रही है, तो एसपी को बोला तो हम बात कर लेंगे, लेकिन एसपी यहीं बैठे होने के बावजूद वो 50 मीटर इसमें बैठा था स्कूल, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद हमने खाना मंगाया, तो हजारों लोग आ गए थे 6 बजे के बाद में, खाने की पंक्तें लग गई थी, खाने खाने लोग बैठ गए थे, लेकिन हम जब पिकअप रोक रखी थी, हम जब वहाँ गए पिकअप को लेने, तो मेरे को वहाँ गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, मुझे पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया था। गाड़ी में बिठाने के बाद में वहाँ पथराव हुआ, वहाँ लाठे बाटी जंग हुआ, और पुलिस भग गई थी मुझे छोड़ के अकेले को गाड़ी में, और उस गाड़ी में पथराव हो रहा था, एक उसमें ड्राइवर बचा था पुलिस का। उसके बाद जब पथराव हो रहा था, मैं उस गाड़ी से निकला, मैंने उस ड्राइवर को बचाया, पुलिस वाले को, मैंने उसको सेव किया, मैंने कहा भाई ये उसको वहाँ एक उसमें बिठाया। उसके बाद मैं इसी जगह आ गया, यहाँ आया तो मैं इधर से फिर दोबारा फोर्स ने अटैक किया, उनके पास हथगोले थे, मिर्ची बम थे, जो भी थे हथगोले, की आमना सामना हुआ, हमारे साथियों ने मुकाबला किया। मैं उस समय बेहोश हो गया था, मेरे को यहाँ से उठा के माता बनी इस मकान में लगी, बेहोश सीमित था मेरे को, फिर 5-7 साथियों ने उठा के 5 किलोमीटर तक मेरे को उठा के वो लेके गए एक गाँव में पास में, उसमें जाके मेरे को कोई मकान था, वहाँ जाके मुझे पटका, और वहाँ जाके फिर मैं रात भर, फिर मैं उस मकान के बाहर खेत में ही मैंने पूरा जायजा लिया, लोगों को वहां से निकालने के लिए कहा भाई सब लोग निकलो, क्योंकि पुलिस अब वो मिर्ची बम से इस हालत हो गई थी इस गांव में, कोई किसी को सांस नहीं आ रही थी, किसी माँ के काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो बाद में बर्बरतापूर्ण जो रवैया पुलिस ने अपनाया, घरों में घुसे माता बहनों को मारा, खून कच्चर घर हो रहे हैं, आपकी गाड़ियां जली पड़ी है, सारी गाड़ियों में पुलिस ने आग लगाई है, और उन्होंने जो नुकसान इस गाँव में किया, हमारे लोगों का किया, वो एक बहुत ही दयनीय। बिस्तर रात को आ चुके थे, खाने की तैयारी थी, आप जा रहे थे, गाड़ी को रोके, क्या आपको अंदेशा था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से अचानक से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, क्या आपको ये अंदेशा था, और क्या आप उस समय गिरफ्तारी देने ही जा रहे थे, क्या कुछ माइंड में चल रहा था? गिरफ्तारी देने नहीं जा रहा था, मैं खाना लेने जा रहा था, मेरा खाना आने नहीं दे रहे थे, हजारों लोग यहाँ खाने खाने के लिए बैठ रहे, क्योंकि चुनाव था कल सुबह 7 बजे से, सारे लोग भूखे थे, इस गांव का बहिष्कार चल रहा था, ये गांव वाले पूरे भूखे थे। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही था, आप कह रहे थे कि हमारी गाड़ी को रोक लिया, चलिए हम पुलिस को ले, तो ऐसा जो रणनीति पुलिस ने बनाई, क्या आप, और कहा जा रहा है कि आपको भी अरेस्ट पुलिस करने की क्या आप मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, अभी 60 लोगों को अरेस्ट किया, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको लगता है कि ये जो पूरे घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीति, अब चूंकि आपकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद राजनीतिक रूप से भी शिकार बने, बिल्कुल 200%, ये कांड जो हुआ ये बड़े लोगों का षड्यंत्र है, ये बहुत बड़े लोगों का षड्यंत्र है, इसमें इसके पीछे मैं जो मानता हूँ हरीश मीणा जो डीजीपी रहा राजस्थान पुलिस का, इसके इशारे पे इस पुलिस ने सब कुछ किया है। हरीश मीणा पे मेरा खुला आरोप है, और मेरे को पता लगा कि कलेक्टर जो है ये हरीश मीणा के बेचमेट की बेटी है,
हो सकता है हरीश मीणा ने इसको यहाँ नहीं आने दिया, और ये बड़ा षड्यंत्र है बीजेपी की सरकार है हरीश मीणा पे आरोप लगा रहे हैं। मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं बादल लाल पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कलेक्टर पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं हरीश मीणा पे मेरा संदेह ये सब उसके इशारे पे हुआ है, क्योंकि जिस तरह की उसने वो नेता नहीं करता, जिस तरह से उसने पैसे लेके राजनीति करी है, वो आज गांव में जा नहीं पा रहा लोगों का विरोध के कारण, और वो इसके पहले षड्यंत्र कर चुका है। वो पंचायत करवा रहा था समाज के यहाँ, और एक अलग ही माहौल बनाना चाह रहा था, समाज में टकराव की स्थिति वो पैदा करना चाह रहा था। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो चाहता था। मेरे को भी पता है हरीश मीणा बस चले तो मेरे को एनकाउंटर भी करा सकता है, मुझे डर है हरीश मीणा मेरा एनकाउंटर भी करवा सकता है। अब दो मिनट का ले ले, पानी मंगा लिया, कलेक्टर की कलेक्टर की पूरी हुआ है, उस कलेक्टर जिम्मेदार है, इस घटना का एसपी जिम्मेदार है, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आपको 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है कल, क्या घटनाक्रम हुआ था? ये आगजनी वो सारे निर्दोष है, पुलिस वालों ने किया, वो सारे निर्दोष है। मैं अकेला दोषी हूँ, अगर कोई सजा हो तो मुझे हो, मेरे अलावा किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये जो गांव में आगजनी दिख रही है सर, ये सब पुलिस ने की है। पुलिस ने घरों में घुस घुस के मारा है। इस मकान से गहना काटा ले 20 लाख का, एक मकान से 5 लाख का गहना ले गई माता बहनों का, माता बहनों में लटती है, बहुत बुरी हालत बर्तव्यता, ऐसा बर्तव्यपूर्ण काम काम आज दिन राजस्थान में तो नहीं हुआ। एक पुलिस के सिपाही जो यहाँ मौजूद था, उसने मुझे धमकी भरी मर्डर करने की, मुझे मर्डर करने की धमकी भेजी, महावीर जाट उसका नाम, और उसने मेरे को मैसेज किया खुद ने कि मैं तुझे आज रिजाइन दूंगा पुलिस से और तेरा मर्डर करूंगा। अब ये हो सकता है कुछ देर में आपकी गिरफ्तारी हो जाए, क्या गिरफ्तार होने के तैयार हैं? देखते सर, मैं वेट कर रहा हूं, देखते मैं वेट कर रहा हूं सर, पुलिस का वेट कर रहे हैं, देखते क्या होता है अभी। ठीक, अब मेरे को एक फाइल चाहिए, आ जाओ। नरेश जी विस्तार से पूछूंगा, कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था? क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं, थप्पड़ मारा उसको क्या उचित मानते हैं आप? थोड़ा सा उसको मैं आपको विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और बहिष्कार को खत्म करके डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था, मैंने समझा इसकी कहा कि आप लोग वोट डालो, इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं, मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायत आ रही है, लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था, सरकार के इशारों पर काम कर रहा था, वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा भाई कलेक्टर साहब बुला दो, 12:00 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरओ लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। तो नरेश मीणा को आपने सुन लिया, और अब हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, नरेश मीणा कुछ और बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो